जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेश। दोस्तों, भारत हमेशा से मांग करता रहा है, क्योंकि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, इसलिए ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, खास तौर पर खाड़ी के देशों ने अपने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। लेकिन बहरे खाड़ी के देशों के कानों पर भारत की यह मांग पड़ी है, परिणाम स्वरूप उन्होंने उम्मीद के अनुसार अपने कच्चे तेल का उत्पादन नहीं बढ़ाया है। एक तरफ खाड़ी के देश अपने कच्चे तेल के भंडारों के ऊपर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, इनके ठीक विपरीत जो ब्राजील है, वह अपने कच्चे तेल का उत्पादन प्रतिदिन बढ़ा रहा है 10%। यहाँ तक कि कोरोना क्राइसिस के दौरान जब दुनिया भर में कच्चे तेल की डिमांड धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, तब भी ब्राजील अपने देश में कच्चे तेल का दोहन बढ़ा रहा था। ब्राजील ने तब कच्चे तेल को खोजा, उसका दोहन किया, तो आज ब्राजील को उसका लाभ मिल रहा है। परिणाम स्वरूप आज साउथ अमेरिका में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला देश यदि कोई है तो वह ब्राजील है। इसके बावजूद अभी तक भारत ने ब्राजील से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल नहीं खरीदा है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो भारत की जो ब्राजील से कच्चे तेल की खरीद है वह ना के बराबर है। अब भारत ने जो है अपनी पॉलिसी में कर दिया है परिवर्तन। दरअसल ब्राजील के एनर्जी मिनिस्टर आए हुए हैं भारत, तो भारत ने उनसे साफ साफ कह दिया है कि हम ब्राजील के साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल होंगे, मतलब हम ब्राजील से बड़े पैमाने पर चूंकि कच्चा तेल खरीदने को तैयार हो रहे हैं, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि ब्राजील हमें गारंटी दे कि वह लंबी अवधि में हमें सस्ते दाम पर कच्चा तेल मुहैया करवाएगा। लॉन्ग टर्म स्पेशल एग्रीमेंट का यही लाभ होता है कि मार्केट में कच्चे तेल के दाम ऊपर नीचे जाते रहें, लेकिन हमारी एक निश्चित दाम पर सप्लाई की व्यवस्था खड़ी हो जाती है। ठीक उसी के सामने भारत ब्राजील के ऑयल एंड गैस सेक्टर में निवेश भी बढ़ा रहा है। उदाहरण के लिए भारत पेट्रोलियम और ONGC का पहले से ब्राजील में निवेश है, वह अब उसे बढ़ा रही है। वैसे भी दोस्तों, कच्चे तेल के क्षेत्र में आप सभी की मांग रही है कि भारत ने कच्चे तेल की सप्लाई के नए सोर्स डेवलप करने चाहिए। जिंदगी आसान हो जाती है यदि हमारे पास होते हैं कई सारे विकल्प। वैसे भी निर्भरता हमेशा शोषण को जन्म देती है, इसलिए यदि ब्राजील का विकल्प हमारे सामने खड़ा हो जाता है तो वह एक बहुत ही अच्छा घटनाक्रम होगा। जहां एक और कच्चे तेल के क्षेत्र में भारत और ब्राजील के बीच व्यापार बढ़ रहा है, वहीं बायो एनर्जी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ रहा है। आपको जानकारी होगी, खास तौर पर इथेनॉल के मामले में ब्राजील हमसे कोसों आगे है। क्योंकि ब्राजील हमसे आगे निकल गया है, इसलिए हमने ब्राजील से सीखना चाहिए कैसे हम इथेनॉल का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाएं, कैसे हम उसका उपयोग बढ़ाएं, स्टोरेज बढ़ाएं। इन सभी क्षेत्रों में ब्राजील भारत का सहयोग करने के लिए तैयार है। दोस्तों, यह सब कुछ हो रहा है आपकी मांगे के अनुसार, इसलिए आपको होना चाहिए खुश। यदि यह वीडियो आपको आया है पसंद, तो लगे हाथों हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।